अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। दो डिफेक्टिव है, एक तो सबसे पहले उसमें डालना ही गलत हो गया, डालना ही नहीं चाहिए। दूसरा फिर उसमें वो पाइप भी गलत डाला हुआ है। इलेक्शन में वहाँ पुलिस जाने नहीं देती है। सील मंगा दे सर, सील होगी ना अपने आगे में पास करेंगे। सहायक अंतरी नगर निगम से जीआई वायर को करेंगे, जीआई वायर में लगाएंगे सील और उसी में चिपकाएंगे एक पेपर जिसकी डिटेल रहेगा और उस पेपर पर मेरे भी सिग्नेचर रहेंगे, आपके भी सिग्नेचर रहेंगे, वो इंटैक्ट रहता है, इसी को सील बोलते हैं। इसी तरह हमारा पोलिंग प्रोसेस पूरा चलता है, पूरा प्रोसेस हमारा इसी पर चलता है, क्योंकि आपके भी दस्तखत एजेंट के दस्तखत रहते हैं। कि कैसे कैसे इसके कनेक्शन है वो तो मैं परसों ही समझ गया था। आपकी गैस यहाँ से स्टार्ट करा है, उसी पर लाइन को जो फोड़ा गया है वहां से गैस की गंध आने लग गई, वहीं से एस्टेब्लिश हो गया था। लापरवाही सर इनकी पूरी है सर, गंध तो ये से आ रही होगी ना। क्या है ना कि वो घर बंद था हफ्ते भर, अब हफ्ते भर से खुला है, थोड़ी थोड़ी गैस आ रही है, पास हो रही है। लेकिन लॉजिकल आप भी उसी समाज में रहते हैं, मैं भी उसी समाज, मैं टेक्निकल नहीं हूँ लेकिन इतनी सहज बुद्धि लिखो जबती ना फर्क जबती लिखो जब्ती करने वाले अधिकारी का नाम मेरा लिखो, साइन हो जाए आपको सर्टिफाइड दे दूंगा, अभी आप कोई नहीं परसों आ जाए आप विधिवत पक्षकार हैं, सवाल ही नहीं उठ पाएगी जल्दी अंदर। मेरा नाम लिखो, मेरा पद नाम लिखो, और बाकी दंडाधिकारी देवास किसका घर है? भगवान सिंह जी का, भैरव सिंह, और बोल ये हाँ ये भगवान सिंह के कोऑर्डिनेट, भगवान सिंह भैरव सिंह, भैरव सिंह गूगल के कोऑर्डिनेट्स राजपाल है, मतलब राजी करेगा वो, कहीं नहीं कर सकता। पहले यहाँ पे आगे गई, यहाँ से 12 मीटर दूर एक घर है, एक हफ्ते पहले से घर बंद है। ये जो चैम्बर कवर ये क्या है, ये तो कहाँ से डाले रहते हैं? पाया है
जिसने किया था वो तो यहाँ पे नहीं, किसी ने कराया होगा तभी तो हमने पाया है, इसमें कोई पाया नहीं, अंडरग्राउंड था। आपकी गैस यहाँ से स्टार्ट कराए, उस सीवर लाइन को जो फोड़ा गया है वहां से गैस की गंध आने लग गई, वहीं से एस्टेब्लिश हो गया था। लापरवाही सर की पूरी है सर, गंध ये तभी से आ रही होगी ना, क्या है ना जो घर बंद था हफ्ते भर से, अब हफ्ते भर से खुला है, थोड़ी थोड़ी गैस नहीं था मेरे यहाँ तो हो ही नहीं सकता। बात करने का तरीका सरल नहीं था आपका, आपके बात करने का तरीका सरल नहीं था, मैं ये कहना नहीं चाहता था, लेकिन आप मेरे मुंह में उंगली डाल रहे हैं। आठ तारीख की घटना मेरी फाइल में रजिस्टर्ड केस है मेरे यहाँ का, ये सालों साल 60 साल तक इस फाइल में, आप कह रहे हो कि इसको मत लिखिए फाइल हो। लगाएंगे सील और उसी में चिपकाएंगे एक पेपर जिसका भी चल रहेगा, और उस पेपर पर मेरे भी सिग्नेचर रहेंगे, आपके भी सिग्नेचर रहेंगे, वो इंटैक्ट रहता है, इसको सील बोलते हैं। इसी तरह हमारा पोलिंग प्रोसेस पूरा चलता है, पूरा प्रोसेस हमारा इसी पर चलता है, क्योंकि आपके भी दस्तखत एजेंट के दस्तखत रहते हैं। छोटा सा सुराग से गैस आ रही है और इतने बड़े बड़े दरवाजे से निकल जा रही है, वहां तक तो ठीक था, नहीं पता चला। जब वो दरवाजा हफ्ते भर बंद रहा और जैसे उसने लौटने के बाद उसने स्विच ऑफ किया, हमारी फोरेंसिक रिपोर्ट कह रही है कि सबसे ज्यादा स्मेल बाथरूम में आई गई, क्योंकि आपका ड्रेन ही बाथरूम से चला है, वो दिख रहा ना आप देख लीजिए, ड्रेन ही बाथरूम से चला है, वो बाथरूम के माध्यम से ही सारे घर में फैलती थी। दस्तखत करिए वर्मा जी। लेकिन आप मेरे मुंह में उंगली डाल रहे हैं। आठ तारीख की घटना मेरी फाइल में रजिस्टर्ड केस है मेरे यहाँ, ठीक है सर, ये सालों साल 60 साल तक इस फाइल में, आप कह रहे हो कि इसको मत लिखिए फाइल हो। राजू को बुलाना, राजू और अरे राजू कौन है, राजू ये जगदीश्वर और उसको प्रजापति के घर लगभग 12 देखो, इधर मोमबत्ती जलाना चाहिए, तुम लोग चपड़ा लगाने लगे यहाँ पर, एक मिनट में करते बुढ़े हो गए, इसमें लोग फोटो दे दीजिए बोस नगर के बस आगे छोड़ दो, वहाँ टैग भी तो लगेगा ना, बीचों बीच में रखो। प्रजापति के घर लगभग 12 देखो, इधर मोमबत्ती जलाना चाहिए, तुम लोग चपड़ा लगाने लगे यहाँ पर, एक मिनट में करते बुढ़े हो गए, इसमें लोग फोटो दे दीजिए बोस नगर के उसको आप लिख करके भी कर सकते हैं उसका।
आप कॉलेज में बात करो, बात तो करो, दे देंगे उसको अपडेट करके, फर्स्ट बीए भी कर देंगे, सेकंड हो जाएगा, और या फिर यह आप लोगों के कार्ड करके हम लोग तुम कार्ड करके करवा देंगे नोट रहे पता क्या बुरा मामला था आपके यहाँ पे? जी मैं तो राखी पे गई भी थी और राखी पे आठ तारीख की सितंबर को मेरा बच्चा यहाँ आया और 8 तारीख को मतलब वहाँ से इंदौर से 11:30 बजे वो घर से निकला था। अब उसके बाद यहाँ वो 12:30 आया, 12:45 बजे आया, पर उसने आकर अंदर सिर्फ शटर ओपन करा और शटर ओपन करने के बाद उसने लाइट के खटके चालू करके उसने जो शर्ट थी एक जो पहरी हुई थी गीली होने के कारण वो उतारी और बस एक जो यहाँ टंगी हुई थी वो शर्ट पहरी और बाथरूम करने गया। बाथरूम करने के बाद वो जब घर में से जलता हुआ ही निकला, पूरे मोहल्ले वालों ने उसको संभाला क्योंकि मैं तो यहाँ आ ही नहीं पाई। उसको यहाँ से फिर कैसे क्या ले गए, क्या हुआ, गैस का है। अच्छा ये बताएं हादसा किस दिनांक का था, किस तारीख का था? ये हादसा 8 सितंबर का था सर। और आपके बच्चे की डेथ कब? 13 तारीख को डेथ हुई, 14 तारीख को उसको एम्बुलेंस से रिफर था। क्या दीवार वीवार टूटी थी आपके यहाँ उस दिन? हाँ दीवार, ये पूरा ब्लास्टिंग दीवार है, ये दीवार है, वो दरवाजा। अच्छा ये हादसा हुआ क्यों दीदी, आप थोड़ा सा बताएं। ये मेरे को तो सर आइडिया नहीं है, गैस की वजह से ही हुआ है कुल मिलाकर सर ये। अच्छा आपको कुछ मुआवजा है, कुछ मिला है? अभी तो कुछ भी नहीं मिला सर हमें। अच्छा यहाँ पे टीम कितने दिन से आ रही है, कितने दिन निरीक्षण कर रही है? सर जब से बच्चे को यहाँ लेकर आए हैं अपन 14 तारीख से, हाँ। उसके तो 12 दिन तो कोई भी नहीं आया सर यहाँ पर, और 12 दिन के बाद से 2-1 जने आए गए, अब वो क्या हो रहा है सर यही नहीं मालूम। अभी कितने दिन से टीम यहाँ पे आ रही है, एसडीएम साहब कितने दिन से आ रहे हैं यहाँ पे? ये सर परसों के दिन आए थे, हाँ। और जिसके आज आए हैं। जिस दिन ब्लास्ट हुआ था उस दिन गैस वगैरह की कुछ बदबू वगैरह आई थी? बहुत थी सर, बहुत बदबू थी, यहाँ बैठना मुश्किल था, मतलब व्यक्ति होनों का बैठना मुश्किल हो रहा था सर। तो आपको ये लगता है गेल गैस से विस्फोट हुआ? सर मैं ये नहीं कह सकती हूँ, अभी तो आपके सामने ही सारी चीजें निकली है, जो भी है आपके सामने ही निकली है। पहले भी गैस की बदबू आती थी? हाँ, फुल गैस की बदबू आती थी, सीवरेज के उसमें आती थी ना गैस की बदबू। कोई पैसा कोड़ी मुआवजा किसी के माध्यम से मिला है आपको? अभी तो कुछ भी मुआवजा वगैरह नहीं मिला है, कहीं से कोई मुआवजा नहीं, कोई सहायता राशि? हाँ सहायता राशि 25,000 रूपए जो मिलती है वो किसने दी थी? वो एक चेक द्वारा आई थी सर। गेल गैस से कोई पैसा? कुछ भी नहीं सर, अभी तो कुछ भी मदद नहीं है सर। ठीक है, आपका नाम? संगीता प्रजापत। 8 तारीख को एक ब्लास्ट हुआ था, प्रजापति जी हैं उनके घर में जी, जिसमें उनका बच्चा घायल हुआ था और बाद में उसकी मृत्यु भी हो गई थी। उसके बाद 12 तारीख को दीपावली के दिन यहाँ के गैस चैम्बर्स के जो ढक्कन थे वो विस्फोट से उड़ गए थे, तो यहाँ के रहवासियों और पार्षद जी द्वारा बार बार इसकी विस्तृत जाँच की मांग की जा रही थी और ऐसा अंदेशा व्यक्त किया जा रहा था कि गेल गैस की पाइप सप्लाई से लीकेज हुआ है। तो उसी के संदर्भ में गेल अथॉरिटीज़ के लोगों के साथ, नगर निगम के लोगों के साथ और आज और स्थानीय लोगों के उपस्थिति में जांच किया गया। जांच का दूसरा दिन था, जांच में सारे तथ्य बहुत क्लियर कट हैं जिसका अभी खुलासा नहीं करेंगे, रिपोर्ट में हम कलेक्टर साहब को दे देंगे। जांच पूरी हो गई। प्रथम दृष्टया गलती किसकी पाई गई है? प्रथम दृष्टया एक जगह गैस के पाइपलाइन में लीकेज था जो कि सीवर लाइन में मिक्स हो रही थी और घटना का मूल कारण यही प्रतीत हो रहा है। सर आसपास के रहवासियों को भी कहना है कि यहाँ पर काफ़ी दिनों से जो है गैस रिसाव हो रहा था। हो रहा होगा निश्चित, क्योंकि गैस का रिसाव पाया गया है तो पहले से ही हो रहा होगा, एक दिन का नहीं। सर बीते दिनों में यहाँ पर 2.5 महीने में ये दूसरी घटना है इसी क्षेत्र में होना, क्या देखते हैं सुनना? अब ये इंसिडेंट है, देखेंगे और जिम्मेदारी तय होगी। सर बीते दिनों में यहाँ पर जो चैम्बर फूटे थे, 4-5 चैम्बर फूटे थे, कहीं ना कहीं उसमें भी गैस का ही, वो गैस का ही था, लेकिन वो गैस के प्रेशर से नहीं फूटे थे। ये संभावना ऐसी है कि लोग पटाखे फोड़ रहे होंगे जैसा कि होता है, तो नीचे ज्वलनशील गैस रही होगी, उसी के प्रेशर से ये घटना हुई होगी। सर क्या गेल गैस के ऊपर कोई अभी कहना है? बहुत जल्दी है, हम रिपोर्ट सबमिट करेंगे, ये ऊपर के लोग निर्णय लेंगे। ठीक है।